गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राथमिक स्तर के सामान्य विज्ञान वर्कशीट जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट के द्वारा हम जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण क संरचना के आधार पर, ख आवास या वास स्थान के आधार पर, इसी प्रकार से मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर और इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न और पुरानी वर्कशीट के कुछ उत्तर माला भी हम इसमें देखेंगे। तो बच्चों आइए अब हम लोग सबसे पहले वीडियो के माध्यम से जंतुओं का वर्गीकरण को समझेंगे। जंतुओं का वर्गीकरण, पृथ्वी पर असंख्य जंतु और पौधे हैं। इतने सारे जीवधारियों के सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने उनकी समानता और असमानता के अनुसार समूहीकरण किया है। यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती है, अथवा गुणों के आधार पर अलग अलग समूह बनाने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण है। जंतुओं का वर्गीकरण इस प्रकार है, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, इन्हें सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, यह नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना आदि। बहुकोशिकीय, इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, यह नग्न आँखों से भी दिखाई देते हैं, जैसे हाइड्रा, घोघा, मछली, मनुष्य, मेढक इत्यादि। आवास के आधार पर, आवास के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। जलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, इन्हें जलचर भी कहते हैं, जैसे मछली, कछुआ, मेढक आदि। वायवीय जंतु, जंतु हवा में उड़ते हैं, इन्हें हम नभचर भी कहते हैं, जैसे कौवा, गौरैया इत्यादि। इसी प्रकार से स्थलीय जंतु, स्थल पर रहने वाले जंतु स्थलीय जंतु कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, गाय इत्यादि। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो प्रकार में बांटते हैं, अकशेरुकीय जंतु और कशेरुकीय जंतु। अकशेरुकीय जंतु, ऐसे जंतु में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, कॉकरोच इत्यादि। कशेरुकीय जंतु, ऐसे जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे मछली, मेंढक, पक्षी, गाय, मनुष्य आदि। प्रजनन विधि के आधार पर, प्रजनन के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, अंडयुज, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली, छिपकली, सर्प, पक्षी इत्यादि। जरायुज, बच्चे देने वाले जंतु को जरायुज कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, चूहा, खरगोश आदि। आइए और आगे देखते हैं। कुछ विशेष बातें ध्यान रखने योग्य, ऐसे जंतु जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, जैसे मेंढक, कछुआ। एक कोशिकीय जीव जीवन की उत्पत्ति में प्रथम जीव माने जाते हैं। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं, गुणों के आधार पर अलग अलग समूह बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर दो, जीवन की उत्पत्ति में प्रथम जीव किसको माना गया है। प्रश्न नंबर तीन, अकशेरुकीय जंतुओं के नाम लिखो। प्रश्न नंबर चार, अंडे देने वाले दो जंतुओं के नाम लिखो। प्रश्न नंबर पांच, ऐसे जंतु जो जल थल दोनों स्थानों पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आइए अब हम कुछ उत्तरमाला शीट को देखते हैं। जंतुओं में वृद्धि जीवन भर नहीं होती। जंतु को परपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जंतु अपने भोजन के लिए पौधे तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जंतु जो साग सब्जी खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु मांस मछली खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। मछलियों में श्वसन हेतु गलफड़े पाए जाते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों ये उत्तरमाला शीट हमारी पिछली वर्कशीट नंबर 15 की है। तो प्यारे बच्चों अब अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।